हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मुजोकर टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस। अक्सर आप लोगों ने जब कभी गाड़ियों के साथ जब हम फालकोड को लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक फालकोड का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है, जिसमें लिखा होता है सेंसर सप्लाई 1 सर्किट या सेंसर सप्लाई 2 सर्किट या सेंसर सप्लाई 3 सर्किट 4 सर्किट 5 सर्किट या और 6 सर्किट। तो ये 1 से लेकर 6 सर्किट तक होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये फालकोड क्यों आते हैं? अगर ये फालकोड हमें कभी किसी ये गाड़ी में हमें देखने को मिले तो हमें उसके ऊपर क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। हम सभी वीडियो पर अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ सेंसर सर्किट 1 के ऊपर के ये कब आता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ये फालकोड को हम किस प्रकार से सुधारेंगे और हमें कौन कौन से फालकोड इसमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो संबंधित कोई भी आपके दिल में डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो संबंधित हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो किसी भी मैटर में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप इस में देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारा सेंसर सप्लाई 1 सर्किट है। अगर कभी भी आपको किसी फालकोड के साथ में सेंसर सप्लाई 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4, 6 तक होते हैं ये लिखा हुआ हो, तो इनमें हमें अलग अलग काम करने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो है सेंसर सप्लाई 1 सर्किट। अगर किसी फालकोड में लिखा हुआ, उस फालकोड के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके साथ में हमें कौन कौन से फालकोड देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा इशू है और ये वाला जो हमारा हो गया ये J1 वाला कपलर हो गया, यानी जो छोटे वाला कपलर होता है हमारा वो कपलर हो गया। अगर इस साइड की बात करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ ये हमारा केम साफ्ट सेंसर हो गया, जिसे बहुत से हमारे व्यूअर्स टाइमिंग सेंसर भी बोलते हैं। ये हमारा क्रैंक केज प्रेशर सेंसर हो गया, जो ये इस फिल्टर के पास में ही लगभग लगा हुआ होता है। तीसरा हो गया हमारा टी मैप प्रेशर सेंसर। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो जो हमारा एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर से जो हमारा पाइप टर्बो तक जाता है उसी के बीच में ही आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा। अगर हमारे कुछ व्यूवर्स को इनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनानी है कि क्रैंक के जो प्रेशर सेंसर होता है ये हमारा किस वजह से लगता है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनके ऊपर अलग से डिटेल में बात करने की, तो हम इनके ऊपर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा जो ये इशू है, यहाँ से हमारी 90 नंबर पिन से एक वायर निकलेगी। जो हमारा केम साफट जो सेंसर है, ये 3 पिन का सेंसर होता है, उसके 1 नंबर पे हमारी ये वायर जाएगी। उसी प्रकार हमारा जो क्रैंक केज का प्रेशर सेंसर है उस पर भी हमारे 3 वायर होते हैं, 3 वायर का ये कपलर होता है और यहीं से वायर जुड़ के हमारे 1 नंबर पिन पे इस पर भी आएगा। उसी प्रकार हमारे टीम ए प्रेशर सेंसर जो इसमें 4 पिनें होती हैं, हमारे जो 90 नंबर से पिन आ रही है वही हमारे इस सेंसर के 2 नंबर सप्लाई पर जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी इशू से एक ही सप्लाई वायर आ रही है और हमारे इन तीनों ही सेंसरों पर जा रही है। उसी प्रकार अगर हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो हमारे इशू के J1 कपलर से हमारे 40 नंबर पिन से हमारा अर्थ का एक वायर आएगा, जिसे रिटर्न भी बोलते हैं। वैसे एक्चुअली में अर्थ को रिटर्न ही बोलते हैं, अर्थ तो हम ऐसी आम भाषा में यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो 40 नंबर से अर्थ आएगा वो हमारे केम साफ्ट के 2 नंबर पिन पे आएगा। तीसरा हमारा सिग्नल का हो गया, जो सेंसर से यहाँ पर जाएगा, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक सेंसर सप्लाई 1 सर्किट के ऊपर है, तो उसमें हमें इसके ऊपर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अर्थ का है दूसरा केम क्रैंक केज प्रेशर सेंसर के 2 नंबर पर जाएगा और हमारे टी मैप के 4 नंबर सप्लाई पर 4 नंबर पिन के ऊपर हमारा अर्थ आ जाएगा।
अब बात ये करते हैं कि हमारे ये सेंसर सप्लाई वन सर्किट जो है ये हमारे किस कंडीशन में आता है। तो इसकी सबसे जो पहली कंडीशन होती है कि ये हमारी जो 5 वोल्ट सप्लाई है, अगर ये कहीं पे हमारी वायर शॉर्ट हो गई तो हमें ये वाला फाल कोड जिसमें सेंसर सप्लाई वन सर्किट लिखा हुआ है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरा कारण होता है अगर हम हमारे इन तीनों प्रेशर सेंसरों में से कोई सा भी सेंसर शॉर्ट हो गया तो भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो कुल मिला के हमारी जो 90 नंबर से 5 वोल्ट सप्लाई आएगी और इन तीनों सेंसरों में जाएगी, किसी भी वजह से चाहे सेंसर शॉर्ट होगा तो भी इस पे 5 वोल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा या हमारी ये वायर ही कहीं पे शॉर्ट हो जाए, जैसे कि या हमारी वायर अर्थ के साथ ही कहीं पे शॉर्ट हो जाए या हमारी कहीं ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो गया तो भी वो शॉर्ट ही माना जाएगा और हमारा सेंसर शॉर्ट हो गया तो भी तो हमारी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा ही। तो इसीलिए जब भी हमारी 5 वोल्ट सप्लाई कहीं पर शॉर्ट होगी इन तीनों सेंसरों पे जो हमारी 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी तो हमें सेंसर सप्लाई वन सर्किट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ में हमें फाल कोड कौन सा देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा जो सेंसर सप्लाई वन सर्किट अभी अगर हमें शॉर्ट मिलती है तो हमें इसके हमें लैपटॉप जब कनेक्ट करेंगे हमें कौन से फाल कोड देखने को मिलेंगे। तो पहला जो फाल कोड हमें इसमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा फाल कोड 352। फाल कोड हमें देखने को मिलेगा, पहला तो जो फाल कोड हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में ऐसा हो सकता है या तो आपको ये फाल कोड देखने को मिलेगा या हमें इस ये नहीं होगा तो हमारा दूसरा फाल कोड जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो फाल कोड हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 386 फाल कोड। तो कभी भी अगर आपको ऐसा फाल कोड देखने को मिले सेंसर सप्लाई वन सर्किट लिखा हुआ हो और इसमें हमें फाल कोड 352 या 386 फाल कोड देखने को मिले तो हमें आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे जो 90 नंबर जिस पिन से 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है हमारे इसी में ही कहीं पर शॉर्ट सर्किट है या लूज पॉइंट है या हमारा कोई भी सेंसर शॉर्ट हो सकता है। तो हमें सीधे सीधे इन्हें ही चेक करने हैं तो ईजीली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर कभी हमारे किसी भी फाल कोड में सेंसर सप्लाई वन सर्किट लिखा हुआ मिले तो हमें उसके ऊपर क्या क्या काम करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में अब भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आप इसके ऊपर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऊपर डायरेक्टली हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।